Hi guys, welcome back to Blessings Channel. Hope you are doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, the full moon energy की आज reading है आपके जो full moon आने वाला है बिल्कुल. तो जो full moon होता है अपने लिए एक नई energy लेकर के आता है, एक fuller energy लेकर के आता है, एक नई zeal, एक नया नया कुछ आपकी life में enter होने जा रहा होता है. full moon के कैसे असरात होंगे, क्या effects होंगे आपके life पर, energy आपकी कैसी रहने वाली है, उसके बारे में detail reading है. guys, this is a general reading, ठीक है. तो अगर आपके पास ही रीडिंग पहुंची, आपने क्लिक किया है, तो डेफिनेटली सम मैसेजेस आर फॉर यू. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स. ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू. फुल मून एनर्जी क्या रहने वाली है आपके लिए. आपके लिए है जी, ओ वाओ, स्टार कार्ड, जबरदस्त. फुल मून के अंडर स्टार का आना बहुत ही अच्छी शुभ माना जाता है. एंड एम्प्रेस कार्ड, वाह. और है एस ऑफ एयर, क्वीन ऑफ फायर, वाओ. एंड है जी एस ऑफ अर्थ, जबरदस्त. गाइस, अगर आपने नोटिस किया है इस स्प्रेड में, गाइस आपके पास दो एयर्स आए हैं, एस ऑफ एयर, एस ऑफ अर्थ, ठीक है. तो इसके मसला मतलब ये है कि जो फुल मून है इस मंथ का आपके लिए लेके आ रहा है एक नया शुरुआत, एक नई कम्युनिकेशन की शुरुआत, एक नए आइडिया की शुरुआत, एक न्यू इंस्पिरेशन की शुरुआत. एक नई सिचुएशन आपके सामने खुल कर के आएगी, आपको एक नई कम्युनिकेशन मिल सकती है, आपको एक नया कोई नया कुछ नए पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, एक नई बातचीत हो सकती है किसी ना किसी से. ओके, एस ऑफ अर्थ आपको कहता है कि दिस इज़ अ न्यू करियर में जो आपका है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, अबंडेंस में एक न्यू इश्यू, आपको कहीं ना कहीं से सडन गेन मिल सकता है, एक नई नया कहीं से पैसा मिल सकता है, कोई नई किसी भी किस्म की आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नई जॉब भी इस महीने आपको मिल सकती है. फुल मून गाइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकती हूँ पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल चेंजेस हैं, बहुत ही आपको अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आपको समझ गए होंगे, बहुत पावरफुल चेंजेस हैं यहाँ पर. ये तो थे दो एसेस, बाकी ये बात आती है जी क्वीन ऑफ फायर की, ठीक है. आपके के जो लाइफ में एंट्री हो रही है जिस एनर्जी की, वो है कॉन्फिडेंस की एनर्जी, वो है एक इंटेलिजेंस की एनर्जी, वो है being confident in yourself, being brave, being very passionate and being very confident in your own skin. Okay, so it's time for you to stretch your wings and fly. Okay, आप अपने का ये time है कि आप अपने फरों को फैलाओगे और उड़ोगे. ये एक नया passion उड़ने के लिए, वो कहते हैं ना उड़ान भरने के लिए परों के नहीं जज्बे की ज़रूरत होती है. तो ये जज्बा, ये आपके अंदर पैशन, ये फुल मून एनर्जी आपके अंदर आ रही है. यू कैन क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ. ओके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आई क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ, आई क्लेम दिस एनर्जी राइट नाउ. अगर आपके अंदर ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है किसी कारण, किसी वजह से, किसी टॉक्सिक, किसी भी टॉक्सिसिटी की वजह से आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपके लिए ये फुल चांस है. ओके, इफ समबडी इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, यहाँ आपको इज विलिंग फॉर गेटिंग प्रेगनेंट, फुल मून की एनर्जी डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है टू गेट प्रेगनेंट. ओके, आपके लिए एम्प्रेस कार्ड, एम्प्रेस इज ऑलवेज प्रेगनेंट. यहाँ आपको जो कुछ चीज़ चाहिए जिसे आप बहुत अरसे से मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं मिल रही, तो आपके लिए वो चीज़ अवेलेबल हो सकती है फुल मून के अंडर. ओके, सो नर्चर योरसेल्फ, आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस भी फुल मून लेकर के आ रहा है. गाइस, फुल मून की नाइट को आपको मैनिफेस्ट करना है, दिस इज़ माय एडवाइस फॉर यू, बिकॉज ये स्टार कार्ड का ना आपकी डेस्टिनी बिल्कुल ही बदल करके रह सकती है, बल्कि रह जाएगी इफ़ यू मैनिफेस्टेड इन दिस नाइट, ठीक है. आप बिल्कुल राइट रास्ते पर हो, आपको जो चीज़ चाहिए है, अगर आप में से कोई दुविधा में है कि पता नहीं मेरे लिए ठीक है या नहीं, भूल जाएं, ठीक है, ठीक है. आपके माइंड में जो कुछ भी अभी चल रहा है वो बिल्कुल 101% ठीक रास्ते पर हो, आप इसके लिए मैनिफेस्ट कर सकती हो, एंड डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स. ओके,
Let's see some more things for full moon. आपके लिए है जी luck is on your side. New moon in Sagittarius. आपके लिए luck बिल्कुल favor कर रही है new moon की energy के अंदर. Luck आपकी तरफ है, ठीक है. Luck आ रही है आपके पास. Conclusions are within reach. Full moon. बहरहाल आपके जो चीज़ें काम pending थे, जो काम पूरे नहीं हो सके, जो चीज़ें भी आपको नहीं चाहिए थी या चाहिए थी, या आप में फेलियर आपको किसी चीज़ में हुआ है, आपको कोई छोड़ करके चला गया, आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको शादी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको एक नई जॉब चाहिए, डेफिनेटली आपके पास वो आ रही है. फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज. जब एरीज में आपके फुल मून होता है तो आपके अंदर एक नई जज्बा पैदा होता है, एक नई तड़प पैदा होती है, एक नई क्या कहते हैं, एक नई जो आलसी होकर बने रहे बैठे रहते हैं लोग, हम वो चीज़ ख़त्म होती है. आप एक नई तरह से सामने आते हो दुनिया के सामने. तो दिस इज़ द फायरी जो आपका एक चीज़ है, वो चीज़ आपकी दोबारा से पैदा हो रही है आपके अंदर. यू आर गोइंग टू फायर ईच एंड एवरीबडी. ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स. लेकिन आपको फिर भी अपने फियर्स पर काम करना है. कोई है जो को जिसको इस चीज़ पर डाउट हो रहा है इन सब चीज़ों पर, एंड यू नो दे आर नॉट रेडी राइट नाउ टू रिसीव ऑल दिस. अपनी एनर्जी को बदले, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट. ओके, फुल मून आ में है पोटेंशियल. इस फुल मून की एनर्जी में आपके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है गाइस. ये फुल मून बहुत ही अच्छा चढ़ा है आपके लिए, ठीक है जी. फुल मून के अंदर आपके लिए माता रानी के क्या संदेश है वो भी देख लेते हैं. ओके जी, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. गोल्डन यमाना कहती हैं, सॉरी गॉडेस यमाना कहती हैं जी. इम्पॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू दैम. आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दरवाजे खुल रहे हैं, अब आप इनमें से दाखिल हो जाएं, ठीक है. पीछे आपने अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं किसी ने, दिस इज़ व्हाट गॉडेस वांटेड टू से, ठीक है. अब आपने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी. गॉडेस सेज कहती थी क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट, कंटेम्पलेट. कुछ वक्त अकेले में अपने साथ, अपने गॉड के साथ ज़रूर गुजारें, ठीक है. मेडिटेट करें, रेस्ट करें, अपने दिमाग को काम करें, पीसफुल करें. बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में, अपने माइंड को पीसफुल करना ज़रूरी होता है. ओके जी, गार्डियन एंजल हैं जी. यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड. अगर आपको या आपके घर वालों को किसी किस्म का कोई थ्रेट है, किसी बीमारी का, किसी दुश्मनी का, किसी भी किस्म का, तो डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं, देवी माँ आपको कह रही हैं कि आप सब सेफ हो, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी. दिस वॉज अ पावरफुल मैसेज फॉर समबडी. गॉडेस हथौर इजिप्शियन गॉडेस है, कहती हैं जी अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव. दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स, ठीक है. आप रिसीविंग मोड में आए. वट इज़ अ रिसीविंग मोड? रिसीविंग मोड क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा अक्सर लोगों से कि रिसीविंग मोड में. और रिसीविंग मोड वो होता है जब हम गॉड से कहते हैं कि येस गॉड आई एम रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स जो आप दे रहे हो, ठीक है. जब हम अपनी आने वाली ब्लेसिंग्स के अंदर नेगेटिविटी या ना डालकर उनका रास्ता नहीं रोकते, ठीक है. आप अभी कमेंट सेक्शन में अपना अफर्मेशन लिख सकते हो कि येस गॉड आई एम रेडी टू रिसीव दीज ब्लेसिंग्स, ठीक है. तो जब हम विलिंग होते हैं, जब ही एंजल्स हमारी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स ला पाते हैं, ठीक है. जब हम नेगेटिविटी डाल रहे तो ये कैसे होना है, ये कब होना है, ये कहाँ होना है हमारे साथ, ये वाई हाउ व्हाट, इस तरह की चीज़ें जब हम डालते हैं ना, तो अपने क्वेश्चन करते हैं, तो चीज़ें ब्लॉक होती हैं, ठीक है. ऐसे कोई काम नहीं करेंगे हम. ओके जी, गॉडेस मेरी मैग्डलेन कहती हैं अनकंडीशनल लव, लव योरसेल्फ एंड अदर्स इन एवरी सिचुएशन, नो मैटर
बट द आउटवर्ड अपीयरेंस में भी अब भी आपकी जो भी हालत है, जो भी कंडीशन है, चाहे आप अभी बाहर सड़क पर बैठे हो, फुटपाथ पर बैठे हो, जो भी हालत है आपकी, खुद से प्यार करें और इस सिचुएशन से भी बी ग्रेटफुल वेयर यू आर. ठीक है, तो आपकी आउटवर्ड जो क्या कहते हैं मसले हैं, जो आपके इनवर्ड आउटवर्ड जो भी मसले हैं, आपकी कंडीशन जो भी है, डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव. समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि अगर आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, ग्रेटिट्यूड पेश करेंगे डिवाइन के आगे, तो ही आपका आपका कुछ इस तरह से किसी तरह से लिखी हुई है. ठीक है, जो जो ग्रेटिट्यूड करेगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, तो आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो रही है. मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म. आप दूसरों की भी मदद कर सकते हो डिवाइन को खुश करने के लिए. कोई गरीब है, पुअर है, नीडी है, कोई भी है, ठीक है, आप उनकी मदद कर सकते हो. डेफिनेटली आपके लिए आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, आपके गिफ्ट्स हैं, न्यू मून के सॉरी फुल मून के जो जो भी चीज़ें हैं आपकी ब्लेसिंग आ रही हैं, वो डबल भी हो सकती हैं, वो तेज़ हो सकती हैं, उनकी पेस तेज़ हो सकती है, उनका आपका आप तक पहुंचने के ज़राए, आप तक पहुंचने के वसाइल, ये सब चीज़ें भी फास्ट हो सकती हैं. ठीक है जी, तो ये थे आपके फुल मून के संदेश. तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय, लव यू, टेक केयर.